नमस्कार आप सभी को, अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ बोनू परमे और आज हम फिर से आए हैं एक प्रोग्राम पे जो है बूथ लेवल कमिटी एंड अवेयरनेस प्रोग्राम ऑफ देवरी एंड ताया होम कम्युनिटी। और ये प्रोग्राम यहाँ के जो लेकंग सर्कल के जो जीरो पॉइंट महादेवपुर पे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और ये प्रोग्राम देवरी एंड ताया होम सेंट्रल कमिटी टीम ऑफ लेका सोनी के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। और मैं आप लोग को बता दूँ कि इलेक्शन जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं वैसे ही लेकंग के माहौल गर्माते जा रहे हैं, तो इसीलिए आज फिर से MLA कैंडिडेट लेका सोनी एक बार फिर से यहाँ के गांव के लोगों के साथ मीटिंग कर रहे हैं और अपना प्रोग्राम्स एंड पॉलिसी लोगों के साथ रख रहे हैं। तो आइए जाके देखते हैं प्रोग्राम पे क्या हो रहा है और जानने के लिए कोशिश करते हैं लोगों से कि आज का प्रोग्राम को लेके क्या विचार है वो लोग का, जानने के लिए कोशिश करते हैं। तो चलिए जानते हैं। आज यहाँ कार्यक्रम जो था कि हमारा लेकंग में मेरा सोनी टीम बोल के हर समाज में नौ तो समाज है, उस समाज का एक एक बूथ लेवल बनाया है एक एक हर एक बस्ती में, तो उनमें से नौ समाज में से मैंने बनाया है, जैसे आदिवासी,
ड्योरी, तायो होम और मिसिंग कचहर ऐसे बनाए हैं। हर कम्युनिटी का हम एक दिन सबको मेरा बूथ लेवल को लेके जो खाल विलेज लेवल में मेरा जो मैसेज वो सभी को पहुँचाएगा, घर घर में पहुँचाएगा। इन लोगों को बोला कि हमने मैसेज इन लोगों को एक अवेयरनेस टाइप में हमने इन लोगों को एक ट्रेनिंग का टाइप रूप में दे रहा है। तो आके कल हम क्या काम करेंगे और नहीं करेंगे और इन 25 साल में क्या हम कमजोरी दिखाई दिया है, वो सब चीज़ का बारे में हम बस्ती वालों को और सारा लखन को मैं बताना चाहूँगा कल आने वाला दिन में। तो इसी का बारे में मैं आज ड्योरी कम्युनिटी और तायो होम कम्युनिटी का मेरा बूथ लेवल महिला यूथ और पेरेंट्स लेवल जो ऑफिस वियरर है इन सभी को हमने एक इंट्रेक्शन प्रोग्राम रखा गया था यहाँ। आज मैंने ये बोला मेरा भाषण पे, कल परसों को मैंने कहीं पे सुना तो कई नेता यहाँ लखन पे आया, आके कहीं ओकेजन में एक स्लाइटली उन्होंने भाषण दिया, बोला मैंने यहाँ PRC दिया लेकिन कई लोग देने नहीं दे रहा है। तो PRC मैंने दिया, किसी का घर जल गया, मेरा घर भी जला दिया, ऐसे कई हम सुनाई दिया था, उसी को थोड़ा सा हम बताया था। तो अगर कई लीडर सचमुच में अगर PRC अगर एक घंटा के लिए भी, एक घंटा तो चोरी, एक मिनट के लिए भी आपने दिया लोगों का लखन का वासियों को अगर PRC दिया था तो किसी का कहने पर, किसी का प्रेशर पर अगर गवर्नमेंट कैंसिल भी किया था तो आप एक एविडेंस तो आप दिखा दीजिए ना। यहाँ आके इन 25 साल में आपने ये सब को मामू बनाया और बेवकूफ़ बना के आपने यहाँ से गुजर गया, तो और भी आके ये एक जो सीधा सीधी एक बस्ती वाला को और समाज को और दोबारा ये सब गुमराह नहीं बनाने से थी कि मैंने यही सोच के बोला। और यही बोलूँगा अगर सचमुच का अगर आपने दिया था कुछ दिन के लिए, कुछ समय किसी ना किसी का कहने पर अगर ये कैंसिल हो गया था, आप ये पब्लिक को आके और कागज़ दिखा दीजिए जो कैंसलेशन का भी ना कागज़ दिखा दीजिए, एक सेकेंड का भी, एक मिनट का भी आपने दिया था तो ना। और यहाँ आजकल वो सब PRC तो सीरियस और हाईली ये मैटर है, ये लोगों के लिए है यहाँ का, और किसी और के लिए बहुत सेंसिटिव लगता है लेकिन हमको तो लगता नहीं इतना सेंसिटिव, बिकॉज ऑल डियर लेकिन ओरिजिन राइट फ्रॉम सिंस फ्रॉम डियर बर्थ एंड डियर फादर बर्थ, और हमको लगता है कि देयर राइट टू गेट माने फैसिलिटी जो मिलना चाहिए मिलना है। तो इन्हीं सब का ऊपर में ज़्यादा मजाक भी जो नेता कई लोग नहीं बोलना चाहिए, हमने ये बोला है डोंट ट्राई टू मेक देम पुल अगेन, हम यही बोला है। आज का दिन हमारे लिए लेकांग के लिए खास तौर पर जो लेकांग 48 नंग लेकांग चुनाव क्षेत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है आज, क्योंकि हमारे बीच में जो लेखा सोनी सर जी वो एक सोशल वर्कर के रूप में हमारे बीच में आए हैं। आज डेढ़ साल से हमारे लेकांग में घूम रहे हैं, तो हमारे गांव में सभी गांव में जाते हुए हमारी लेकांग का जो समस्या है उसको वो समझने की कोशिश किया है। साथ आज के दिन पर हम लेकांग के जितने भी देवरी समुदाय के लोग हैं और अहम समुदाय के जितने भी लोग हैं, हम सब आज एक साथ मिलकर हमारा जो समस्या है, बड़ी बड़ी जो समस्या है आज तक कभी सुलझाने की कोशिश नहीं किया है। हमारा जो प्रतिनिधि हम असेंबली में भेजते हैं, कभी हमारी जो समस्या को समाधान करने का कभी कोशिश नहीं किया है। तो आज हम सब मिलकर आज वही थोड़ा ये किया था, डिस्कशन किया था, आलोचना किया था, और साथ में हमारे जो सोनी सर जी को बुलाए थे वो हमारे बीच आकर महत्वपूर्ण बातें की है। हमारी जो बड़े बड़े समस्या है उन समस्याओं को सुलझाने का मतलब समाधान निकालने का जो हमें समस्या का समाधान निकालने का जो मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे यहाँ पर इतने सारा भीड़ इकट्ठा हुआ, बहुत सारे लोग हैं जी, तो लेकांग का जो क्षेत्र है इस पे यहाँ के किसी लीडर पे आप भरोसा क्यों नहीं कर रहे हैं, बाहर से जो आए हैं उन पे क्यों कर रहे हैं, क्या है? ना ना ना, भरोसा नहीं करने का कारण है क्योंकि आज जब से हम लोग देखा है तो प्रति 5 वर्ष में हमारे जो स्थानीय जो लीडर हैं
हमें बोलते रहते कि यही समस्या है, यही समस्या हम सुलझाएंगे, आप लोग वोट डालिए, हम लोग जो प्रतिनिधि को हम जो आगे बढ़ाते हैं उनको आप वोट डालिए और हम लोग जरूर आप लोगों का समस्या सुलझाएंगे। लेकिन आज तो ऐसा नहीं हुआ है, समस्या समस्या ही रहा है, कभी समाधान नहीं हुआ है। तो इसीलिए हम लोग सोचा है कि इस बार हम लोग निर्णय लिया है, पूरा लेकांग के जितने भी लोग हैं, सभी समुदाय के लोग हैं, हम इस साल निर्णय लिया है कि हम जैसे होने से भी अभी जो प्रतिनिधि हैं उसको हम जैसे होने से भी बदलेंगे, मतलब परिवर्तन लाने के लिए हम अभी हम ईटानगर से हम बुलाए हैं, सोशल वर्कर को बुलाए हैं, उससे बातचीत हुआ है और हमारी जो समस्या को भी अच्छी तरह से अध्ययन किया है और ये सब समस्या समाधान करने का जो वो सूत्र निकाल के दिखाया हमको। और আমার নিজৰ দুখৰ কাৰণে হৈছে কেলে কি আজি আমি ভাল এটা এমএলএক ধৰিব নাই জানা হে কাৰণে হৈছে হে আৰু মেডামে আমাক যিমান দিম বুলি ভাবিলেও কেতিয়াও হি আমাৰ কাৰণে একো কৰিব নোৱাৰে, কেতিয়াও হি আমাক একো দিব নোৱাৰে, আমাৰ অধিকাৰটো হি একো কেতিয়াও দিব নোৱাৰে, কেলে কি হিও আমাৰ সোনামিন ছাৰ তলতেহে চলে, সোনামিন ছাৰে হি যি কব এইটোৱেহে শুনিব। আৰু যেতিয়া আপোনালোকৰ মনত আছে চাগে সোনামিন ছাৰে যেতিয়া আমাৰ ইয়াত এমএলএ বনি আছিলে তেতিয়া হি পিয়াচিটো লৈ নিউ ইয়াৰ গিফ্ট হয় বুলি এনাউন্স কৰিছিলে, কিন্তু পিয়াচিটো কোনো ইমান সৰু বস্তু নহয় কি অকল সি নিজৰ মুখৰ পৰা কৈছে বুলিহে দিব পাৰিব, তথাপিও যে সি ইমান কথা জানিও সি ডাইৰেক্ট এনাউন্স কৰিছিলে, তেনেহ'লে কি সি আমাক লাজ দিব বিচাৰিছিলে, আমাৰ লেকাঙৰ ৰাইজক সি লাজ দিব বিচাৰিছিলে তেনেহ'লে। আৰু সেই গতিকেলৈ ময়ো নিজেই কিমান দিন ভুক্তভোগী হ'লো, গোট পেচেণ্টে হৈ চৌনামিনৰ লগত থাকিলোঁ আজি প্ৰায় 18 বছৰমান, কিন্তু দেখিলো আমার ফলাফল একেবারে বেয়া, ভাল নহয়। আজি আমার ইমান বয়স হল, বৃদ্ধ পেনশন তো নাই, কোনো জাতীয় নাই, না দেউরিও আছে, না মিরি আছে, না কসাই আছে, না আদিবাসী আছে, কারো নাই, কিন্তু আমার সেন্ট্রাল যুবদীয় হেডিয়ে মিনিষ্টার কয়ে আছে বৃদ্ধ পেনশন সকলে পাব লাগে বলে, কিন্তু পোৱা নাই। সেন্ট্রেল কমিটি লেখাচনী হয়ে মানে কাম করে আছো, তো আজি যোগ্রাম আমার রাখি আমার বুল লেভেল কমিটি আমি একটা ইন্টারেকশন প্রোগ্রাম আজি আমি ইয়াত রাখি, তো আমি প্রত্যেক গাঁত গে আমি কমিটিবিল বিএনসি কমিটিবিল আমি বনালো, তো বহুতে আমার লেখাচনী স্যারক দেখা নাই, তো আজি এই ইন্ট্রোডাকশন কারণে আজি এই প্রোগ্রামটা রখা হয়েছে। আর স্যারও আমার বহুত আমার যত যত আমি বিএনসি কমিটি বনাইছো স্যারও বহুতক চিনি পোৱা নাই, তো সেই কারণে আজি আপনার চিনাকি হব কারণে আমার আজি স্যার ইয়াত উপস্থিত হয়ে আছে। আর আমার যাক আমি কই গলো কমিটি আমি যা বনালো, তো সেইবিল বিএনসিবিলক স্যারে আমি কেনেকা ধরনের করে যাব লাগিব আহি থাকা দিনত আমার স্যারে ধুনিয়াকে বহলাই কেনে কব, আমার বিএনসিবিলক এতিয়া বহুত আমার কাম আছে, যে কামবিল আমি কেনেকা ধরনের করলে আমি আমার স্যারক আমি জয়যুক্ত করাব পারো সেই কথাবিল আমার আহি থাকা যোন লেকাং রাইজে আপনি একতা হয়ে যান, যোনে ভুল বুঝি আসে ভাবি চিন্তি কিনে একলগত হয়ে যাও, কোনোবা ইউথ ইয়ং পড়া ছোৱালী মুড়াবিল আমার সিনিয়র কেতা একতা হয়ে যাও, নহলে আপনার আরো ইয়ার কবি ইয়ার পুরা আমি বিয়া দিন কষ্ট দিন আহিবলে গৈ আছো, আপনার কালি নষ্ট করব লেকেন তো আগ বাক বাতিল লেকেনর নাম তো নষ্ট করবল আই আছে, কালি যে আপনার কিছু উপর আপার তো পিয়ং কোনোবা তাতে লৈ যাব, আপনার লোয়ার তো মেঙ্কিং লৈ যাব, আপনার আজি ইয়াতে আমি লেকেন লেকেন কোয়াতো আপনি কালি কান্দি কিনে বি খাম নাই থাকিব, এনেকা দিন আহিব বি পারে, এইটো কারণে রাজক আপনার বিলাকত জনাই দি আছো, এই সব কারণে কোনো ইয়াতে কই দিবলে আপনার উচরতে আপনার আগত আহি কিনে শিয়রিবল কোনো বি মানুষ দেখা নাই, মই হেতু বিভিন্ন প্রবলেম রয়ে হেতু প্রবলেম রয়ে মই আপনার উচরতে খাড়া করিম আপনার ভক্তি তো দিবি বলে খুঁজিবল আহিছে, আর আপনার কারণে মই শিয়রিবল আহিছো, এইটো কারণে সময় সব সমাজে আপনি বিলাক নিজে নিজে নিজের গৌরব গই কিনে সেই দায়িত্ব লয় আপনি বিলাক কথা পত্র ভাবি চিন্তি কিনে নিজের পরিয়ালক ভালকে বুঝাই দিব আর জনাই দিব, সেই মাত্র কই আজি আমার লেকাং আকল লেভেল কমিটি ইয়াত বুথ লেভেল মেম্বার্স মহিলা
আৰু বেলেগ সমাজৰ পৰা বি যে আমাৰ এইটো মেছেজটো শুনি কিনে মই ভাবি আছোঁ ঘৰে ঘৰে গৈ আমি যে কৈছে আপুনিবিলাকে বস্তি তাতে এইটো জনাব নিজৰ ছোৱালীকে নিজৰ ল'ৰাকে আৰু নিজৰ মাকে নিজৰ দেউতাকে আৰু নিজৰ লগৰীয়াকে আপুনিবিলাক চবে নিজৰ ককাইকে দাদা দাদীকে ভালকে জনাব বুলি মই অহা আছোঁ আৰু চবকে আৰু মই এই চবকে মই আকৌ মনৰ পৰা আপোনাৰ বিলাক লগত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এই কৈ আমাৰ কথাটো ইয়াতে সমাধান কৰিছোঁ থেংক ইউ।